एक बार श्री कृष्ण भरी सभा में कर्ण की दानवीरता की प्रशंसा कर रहे थे। अर्जुन भी उस समय सभा में उपस्थित थे। वे कृष्ण द्वारा कर्ण की दानवीरता की प्रशंसा को सहन नहीं कर पा रहे थे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और पल भर में ही अर्जुन के मनोभाव जान लिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण की दानशीलता का ज्ञान कराने का निश्चय किया। कुछ ही दिनों बाद नगर में एक ब्राह्मण की पत्नी का देवलोक गमन हो गया। ब्राह्मण अर्जुन के महल में गया और अर्जुन से विनती करते हुए कहा, धनंजय, मेरी पत्नी मर गई है। उसने मरते हुए अपनी आखिरी इच्छा जाहिर करते हुए कहा था कि मेरा दाह संस्कार चंदन की लकड़ियों से ही करना, इसलिए क्या आप मुझे चंदन की लकड़ियां दे सकते हैं? ब्रह्मा की बात सुनकर अर्जुन ने कहा, क्यों नहीं? और अर्जुन ने तत्काल कोषाध्यक्ष को तुरंत 25 मन चंदन की लकड़ियां लेन की आज्ञा दे दी। परंतु उस दिन ना तो भंडार में और ना ही बाजार में चंदन की लकड़ियां उपस्थित थी। कोषाध्यक्ष ने आकर अर्जुन को सारी व्यथा सुने और अर्जुन के समक्ष चंदन की लकड़ियां ना होने की असमर्थता व्यक्त की। अर्जुन ने भी ब्राह्मण को अपनी लाचारी बताकर खाली हाथ वापस भेज दिया। ब्राह्मण अब कर्ण के महल में पहुंचा और कर्ण से अपनी पत्नी की आखिरी इच्छा के अनुरूप चंदन की लकड़ियों की मांग की। कर्ण के समक्ष भी वही स्थिति थी, ना तो महल में और ना ही बाजार में कहीं चंदन की लकड़ियां उपस्थित थी। परंतु कर्ण ने तुरंत अपने कोषाध्यक्ष को महल में लगे चंदन के खम्भे निकालकर ब्राह्मण को देने की आज्ञा दे दी। चंदन की लकड़ियां लेकर ब्राह्मण चला गया और अपनी पत्नी का दाह संस्कार संपन्न किया। शाम को जब श्री कृष्ण और अर्जुन टहलने के लिए निकले, देखा तो वही ब्राह्मण शमशान पर कीर्तन कर रहा है। जिज्ञासावश जब अर्जुन ने ब्राह्मण से पूछा तो ब्राह्मण ने बताया कि कर्ण ने अपने महल के खम्भे निकालकर मेरा संकट दूर किया है, भगवान उनका भला करे। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, अर्जुन, चंदन के खम्भे तो तुम्हारे महल में भी थे, लेकिन तुम्हें उनकी याद ही नहीं आई। यह सुनकर अर्जुन लज्जित हो गए और उन्हें विश्वास हो गया कि क्यों कर्ण को लोग दानवीर कर्ण कहते हैं।